हम बात करने वाले कि फन के सब पे एक न्यू अपडेट आया था, जैसे आपको पता ही होगा बहुत दिन हो गए इस अपडेट के आए हुए। इस अपडेट में कुछ हिडन फीचर्स थे, तो आज की इस वीडियो में इस अपडेट का मैं थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में बताने वाला, जो कि आपको पता नहीं होंगे, आपने कभी भी उन फीचर्स को ट्राई नहीं किया होगा। तो ये जो अपडेट था ये था MIUI 12.0.21.0 का स्टेबल इंडियन स्टेबल अपडेट था। देख सकते हैं MIUI 12.0.21.0 का स्टेबल अपडेट था ये, और इसमें हमको ज़्यादा कुछ फीचर देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन थोड़े बहुत फीचर ऐसे थे जो कि किसी को पता नहीं चले, लेकिन मैंने थोड़े बहुत चेकआउट किए तो मुझे पता चल गया, जो कि MIUI 12.5 से थोड़े बहुत मैचिंग थे। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले। तो चलिए मैंने कोई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये बात थोड़े बहुत मैं फीचर्स भी बताऊंगा, उसके साथ साथ और थोड़े बहुत सिस्टम ऐप्स दूंगा MIUI 13 के, एक या दो होंगे, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला, आपको क्या क्या उसमें फीचर देखने को मिलने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसमें पहले से क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हमको सेटिंग यहाँ पे जो हम यहाँ पे जाएंगे होम स्क्रीन की सेटिंग में, इसके उसके बाद जानकारी हमको ब्लर ऐप जो प्रीव्यूज का जो सेटिंग्स होता है, इसमें हमको न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जाके जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो अगर आपने कोई भी थर्ड पार्टी ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं किया। देख सकते ये वाला UI देखने को मिलता है जो कि MIUI 12.5 अनाउंस्ड का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है। आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ये भी न्यू वन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है, तो आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप ये तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये होम MIUI 13 का सिस्टम लॉन्चर है, आप इसको भी आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, स्क्रीन टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। तो आप इस जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पे तीन दिख सकते हैं MIUI 13 का ये जो फीचर ये देखने को मिल जाएगा, तीन जो लेआउट है पूरा चेंज कर दिया जाएगा। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग में जाएंगे जैसे आप 4:6 और 5:6 देखने को मिलेगा। 5:6 का मतलब देख सकते हैं यहाँ पे आप 6 ऐप लगा सकते हो आराम से, जो कि बहुत बड़ा अच्छा देखने को लगता है। और साथ ही साथ जैसे ही मैं स्टेप से करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल होते थे, और साथ ही साथ विजेट्स वाले सेक्शन में आपको कोई विजेट्स वगैरह देखने को नहीं मिलते, नॉर्मली होता है, और थोड़े बहुत विजेट्स है जो कि मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने थीम लगाई हुई है MIUI 13 की, अब इनको भी आराम से यूज़ कर सकते हो। और एक ऐप मैंने इंस्टॉल कर रखा है जो कि है गैलरी का प्लस गैलरी एडिटर, तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, गैलरी और MIUI सिस्टम लॉन्चर का। ठीक है, तो आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, सबसे पहले तीन डॉट में जाएंगे तो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में देख सकते हैं आपको लूप ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ साथ सिक्योर शेयरिंग है, शेयरिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ नीचे थ्रैश बिन क्रैश और क्लीनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, थ्रैश बिन देख सकते हैं 30 डेज का वगैरह ये आ जाता है। आप सिंपली देख सकते हैं मैं कोई भी इमेज चूज़ कर लेता हूँ, सिंपली आपको इसके मोर पर टैप करोगे आपको प्रोटेक्टिव वाटरमार्क देखने को मिलता है, जो कि MIUI 13 का फीचर है। सिंपली मैं आपको आप कुछ तो लिख के दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करता है, इमोजी वर्क करता है कि मैंने अब तक चेक नहीं किया, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे तो हमारा इमोजी भी वर्क करता है, शायद देख सकते हैं इमोजी वगैरह आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा होगा। देख सकते आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हो, फॉर मैं आपको वापस और एक बार एनेबल करके दिखा देता हूँ, तब बोलेंगे फेक वीडियो वगैरह। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे हमारा जो प्रोटेक्टिव वाटरमार्क है वो आ चुका है कुछ इस टाइप से। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि आपको बहुत सारे साइड्स वगैरह पे देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ा अच्छा देखने में लगता है। अब मैं और बताता हूँ आपको, सिंपली जैसे आप यहाँ पे जाओगे एडिट वाले ऑप्शन पे, एडिट वाले ऑप्शन पे आपको देख सकते हैं ये वाले जो फीचर है इनका जो UI वगैरह चेंज करते हैं जो गया, तो कि बड़ा अच्छा देखने को मिलता है, क्रॉप वगैरह देख सकते हैं इस टाइप से देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टिकर बहुत सारे न्यू ऐड कर दिए गए, जो कि बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और देख सकते हैं टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स वगैरह सेलेक्ट कर दिए गए चूज़ करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से 2021 परफेक्ट वगैरह बहुत सारे फीचर्स हमको इसमें देखने को मिल जाते हैं इस गैलरी और गैलरी एडिटर ऐप की मदद से। आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे आप स्क्रीनशॉट लूँगा, स्क्रीनशॉट में जाने के बाद आपको यहाँ पे और देख सकते हैं ये न्यू लेआउट देखने को मिल जाता है, जो कि MIUI 13 का जो कि मैंने APK से इंस्टॉल किया है। इसलिए जैसे आप इस पर जाओगे ये इस टाइप से वगैरह लाइन वगैरह कर सकते हो, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, यहाँ चित्रकला दिखा सकते हो, अपने कुछ भी रंगीन चित्रकला वगैरह बना सकते हो, जो कि देखने में बड़ा अच्छा देखने में लगता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब और एक फीचर मेरे दिमाग में आया है, जो कि है जैसे आपने इस अपडेट को इंस्टॉल किया होगा आपको बहुत सारे ऐप अपडेट देखने को मिले होंगे। जैसे सिस्टम ऐप अपडेटर्स में जाऊंगा, मैं यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री पे जाऊंगा, देख सकते ये नहीं, जैसे मैं गेट ऐप्स में जाऊंगा, जहाँ पे आप अपने ऐप सिस्टम ऐप्स को अपडेट करते हो, या फिर जैसे मैं मी में जाऊंगा, मी में जाकर देख सकते हैं आपको अपडेट सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो टाइम ले रहा है मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ,
दिस इज हमारी खुल गया, यहाँ पे ऑल एप्स आर अप टू डेट, यहाँ पे जाएंगे फिर अपडेट हिस्ट्री में, और जैसे आपको एम आई नोट का ये अपडेट देखने को मिला होगा जो कि बहुत ही तगड़ा है, जो कि मियो 12.5 का, लेकिन पता नहीं मियो 12.0.21.0 पे आ चुका था, इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने कोई भी एम आई नोट का ई पी का वगैरह इंस्टॉल नहीं किया, सिंपली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करके देख सकते हैं आपको, मैंने यहाँ पे आप अपने इमेजेस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी स्पाइडरमैन का इमेज लगाया, जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, कैमरा गैलरी, जैसे यहाँ पे ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, स्केचिंग वगैरह देख सकते हो, इस टाइप से आपको सिंपली बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से वगैरह चित्रकला वगैरह ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, जो कि देखने में बड़ा अच्छा देखने में लगता है। इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, और भी आपको मैं और कुछ दिखा देता हूँ। जैसे टेक्स्ट में जाओगे आप टेक्स्ट के लिए आपको ए प्लस या फिर शेडो वगैरह बोल्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो, तो आपकी मर्जी आप वॉइस रिकॉर्डिंग इमेजेस वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हो। आप यहाँ पे क्विक नोट्स का ऑप्शन देखने को मिला, जो कि आप ऐसे स्लाइड बार करोगे, स्लाइड बार का जो ऑप्शन है वैसे एनेबल कर सकते हो इस टाइप से, जैसे आप इसको एनेबल करोगे यहाँ पे आप स्लाइड बार का जो फीचर है इसको आराम से इस्तेमाल कर पाओगे, जो कि दिखने में ज़रा बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है। और ये अपडेट में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था, बस 200-300 MB का अपडेट था, जो कि मियो 12.0.21.0 का था। आई होप मियो 12.5 जल्द आ जाए, मियो 12.5 तो नहीं आएगा, मियो 12.5 एनएच का अपडेट को जल्द देखने को मिलेगा शायद से इस मंथ के एंड तक, मुझे ऐसा लगता है, पर शाओमी वाले को कोई भरोसा नहीं है, देखने को मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो अपडेट आने तक आप इंतजार कर सकते हो, बाकी सब यह ऐप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी जो लिंक है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, या देख सकते हो आपके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, जो कि गैलरी, गैलरी एडिटर और होम स्क्रीन लॉन्चर वगैरह, इनके जो फीचर्स के जो ये है मैं सिंपली आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मिलता है अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।